Sri Ramkumar Verma. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय मुझको इस बिल पर रिपील एंड अमेंडमेंट अमेंडिंग बिल 2019 पर बोलने का अवसर दिया. मैं साथ में हमारे विद्वान और लाके ज्ञाता आदरणीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जो कानून वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक रह गए हैं जिनके किन्हीं में संशोधन होकर के दूसरे कानून बन गए हैं या वो बिल्कुल उनकी जगह नए कंसोलिडेट होकर के कहीं कोर्ट्स के रूप में भी आ गए हैं उनमें से रद्द करने के लिए 58 करीब करीब इसमें कानून ऐसे हैं जो कुछ ब्रिटिश कालीन के हैं कुछ वर्तमान में हैं उनको आज ये रिपील होने जाएंगे एक्ट बनने के बाद में और सेक्शन 2 के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है उसके अंदर कुछ माइनर उसमें अमेंडमेंट है. इस तरह का ये बिल है. मैं बहुत अधिक नहीं कह करके चूंकि समय को भी देखते हुए सभी की जो इस तरह का मूड है सदन का उसको मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा. मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय देश के सामने ये वादा किया था देश में इस तरह की व्यवस्था. मैं ये कहूँ कि किन्हीं कारणों से बहुत सारा इस तरह की व्यवस्था हो चुकी थी जन सामान्य और आम आदमी के लिए न्याय प्रक्रिया बड़ी कठिन हो गई थी तो ऐसे कानूनों को भी मारने के बाद में रद्द करेंगे जो कि यह प्रासंगिक है जो समय के अनुसार से न्याय देने में ठीक नहीं है. इसी के तहत उन्होंने अनेक निर्णय लिए और निर्णय के अंदर चाहे वो मैं तो यूँ कहूँ कि इतना बड़ा हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारा कचरा इस तरह से इकट्ठा हो गया था उसकी स्वच्छता जरूरी करना जरूरी हो गया था. उन्होंने अनेक अनेक चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित हो कालाबाजी से संबंधित हो चाहे आम आदमी को न्याय देने की संबंधित है उसी तहत में ये कानून जो इस तरह के का उनका निर्णय लिया. मैं आपके उपसभापति महोदय आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा और आपके सदन को अवगत कराना चाहूँगा ये प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन क्योंकि कानून हमारे प्रासंगिक हो चुके थे जिस तरह का कि सम्मानीय महोदय मानी हुई वकील महोदया ने कांग्रेस के पक्ष से बताया था कि एक प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है हमारे यहाँ विधि आयोग है उसके माध्यम से उसका रिव्यू होता है रिव्यू के बाद में उनकी रिपोर्ट आती है. मैंने भी उनकी 251 रिपोर्टों का अध्ययन किया है. उन्होंने इसमें रिकमेंड किया था कि ऐसे कानून बहुत हो चुके हैं जो प्रासंगिक नहीं है लेकिन उनको नहीं किया लेकिन श्रद्धेय वाजपेयी जी के समय में आए उन्होंने ये प्रक्रिया चालू की और एक कमेटी का गठन किया. इसी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस तरह की 2 सदस्यीय समिति का गठन किया और 1 सितंबर 2014 को गठन और 15 अगस्त को वो रिपोर्ट आई उसके बाद में देखा कि करीब 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 बहुत सारे कानून ऐसे हैं उनको रद्द करना जरूर है जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है. उसी प्रक्रिया के अंदर 1428 करीब कानूनों को अभी तक रद्द किया जा चुका है. 58 ये कानून उसमें रद्द होने जाएंगे साथ में कुछ अमेंडमेंट है. मैं समझता हूं कि इससे जन सामान्य के लिए आम आदमी को जो न्याय मिलने में जो देरी हो रही थी बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते थे उनसे एक बड़ी राहत मिलेगी. मैं इसी के साथ में समर्थन करता हूँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद राम कुमार जी.